हेलो फ्रेंड्स, सॉरी मैं बहुत टाइम बाद यूट्यूब पे एक्टिव हुई हूँ, क्योंकि अभी रिसेंट पे मेरा हरियाणा का जुडिशरी का मेंस था और ये मेंस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दिया था। और मेरी थ्रू आउट जर्नी ये सेल्फ स्टडी से रही है। मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करी, नॉट फॉर प्री, नॉट फॉर मेंस, कोई मॉक टेस्ट नहीं। तो मार्च 2023 में मैंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड उसके बाद मार्च 24 में मेरा पहला प्री था हरियाणा का और वो फॉर्चुनेटली हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस नहीं हो पाया। ये है मेरे बैरक्स जिनका सिलेबस अब चेंज हो चुका है। मैंने इतने लाल पीले नीले करे हुए थे, ये ग्रीन हाइलाइट्स तो सिर्फ मैंने उसी को किया हुआ था जो सिर्फ प्री में पूछा जाता था। मैंने अपने बैरक्स ऐसे बनाए थे कि मुझे बार 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 MCQ बुक्स रेफ़र ना करनी पड़े। जो बार बार MCQ बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैंने अपने बैरक्स को पूरा ऐसे लिखा हुआ था कि हर चीज़ मुझे बैरक में मिलती थी। मेरी प्री पे पकड़ बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ही ज़्यादा। बट मैंने जो चीज़ लैक की है दैट इज़ आंसर राइटिंग। और हाँ, मतलब अगर इफ़ यू आस्क कि मैंने कौन सी बुक से सेल्फ स्टडी की, तो परीक्षा मंथन की वॉल्यूम्स आती हैं यार, वो मेरे लिए भगवान थी और मैंने उसी को ही किया है। एंड क्वेश्चन आंसर्स वहीं, सिर्फ परीक्षा मंथन। मैं कोई उनका पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट हाँ वो बहुत अच्छी बुक्स हैं यार। और ये मेरा एविडेंस एक्ट यार, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था एंड इसकी हालत देखो क्या हुई है। बट ठीक है, अब ये सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा एंड दोबारा करना पड़ेगा।